थाना पास गवाह के उचोलिया चौकी के गांव कोपा निवासी सुजन के घर में अज्ञात चोरों ने पीछे से चलकर जीने के रास्ते घर में प्रवेश कर अपना निशाना बनाया और लाकर को तोड़कर अलमारी में रखी नकदी व जेवर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग सभी छत पर सो रहे थे, जब लोग शौच के लिए सुबह गए तो खेतों में पड़ा हुआ सामान देखकर ग्रामीणों को सूचना दी। जब सुरजन ने अपने घर के अंदर झांक कर देखा तो अलमारी के लॉकर टूटा हुआ मिला, जिससे उनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि जो बक्सा खेत में पड़ा था वह किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं का था। सुरजन पुत्र गयादीन ने बताया कि 5,000 नकदी सहित भारी मात्रा में जेवर चोर ले गए। घटना की सूचना पर पहुंची उचोलिया पुलिस ने सिर्फ खाना पूर्ति की और पीड़ित को हिदायत दी कि आप लोग इस घटना की जानकारी मीडिया को बिल्कुल ना दें। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और सूबे के DGP OP सिंह लगातार पुलिस कर्मियों को हिदायत देते हैं कि क्षेत्र में कहीं भी कोई घटना हो तो मीडिया को तत्काल सूचना दी जाए, लेकिन उचोलिया पुलिस DGP व CM के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि इससे पहले भी कई चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका। चोरी किए गए सामानों में चोर ने 3 जोड़ी हार सेट तथा 3 जोड़ी झाले व अंगूठी तथा कुछ नकदी सहित अन्य जेवरों पर हाथ साफ किया। कैसे ये जो है ताऊ हैं हमारे, और ताई और मतलब ताई की लड़की, दोनों लोग रात में लाइट चली गई तो ये लोग छत पे चले गए लेटने, ऊपर सो गए, नीचे मकान पूरा बंद था और चोर आए लेटिन की छत से चढ़ के अंदर गए और ताला वगैरह सब तोड़ के लाकर वाकर तोड़ दिए। इनका जेवर 3-4 लाख रुपए का और नकदी 5,000 रुपए वो सब गायब हो गई, और इनका बक्सा जो था वो दूर गांव के पश्चिम जो है तालाब के किनारे पड़ा हुआ सुबह मिला, उसमें आधार कार्ड और पहचान पत्र वगैरह थे। तो गांव के लोगों ने देखा तो आकर के इनको बताया कि ये आपका है और दिया आकर। चोरी का हम तो जैसा है बच्चे वो घोड़ा बाल बच्चे सब आते घर ऊपर छत पर चले गए। अच्छा, तो चोर आए फिर चढ़ी के हमने ताला ला तोड़ दे, लाकर ही तोड़ दे। अच्छा, जेवर निकाल लिया। अच्छा, मतलब जो चोरी हुई उसमें आपका मतलब कितना नुकसान हुआ, कितने रुपए की चोरी हुई? 2.5-3 लाख। 2.5-3 लाख कुछ नकदी भी थी? नगद 5,000। अच्छा, और जेवरात भी थे? हाँ। आपको जानकारी कैसे हुई कि हमारे यहाँ चोरी हुई? जानकारी सवेरे जब जगे और तब देखो तब जानकारी भाई। अच्छा अच्छा, और आपका जो बक्सा उठा के ले गए थे चोर लोग वो कहाँ पे मिला? वो गाँव के पछाव मिलो ताला किनारे।